जी हाँ, जिस तरीके से हम जानते हैं कि एनर्जी ड्रिंक हमारे बच्चों के लिए कितनी खतरनाक होती है, और ये उसी वीडियो में ये बोलती नजर आ रही हैं कि सुबह सुबह मैंने खाली पेट चाय पी, उसके बाद मेरे को एनर्जी चाहिए थी तो मैं हेल्थ पी रही हूँ। और हम हेल्थ पी रहे अभी क्योंकि सुबह सुबह निकले, नाश्ता नहीं किया, सिर्फ चाय पिया था। लोकल भी मिलेगा ना, हम लोकल में भी कुछ ना कुछ खा लेंगे। थोड़ा सा दोपहर हो जाएगा, एनर्जी नहीं बचेगी, बाकी जब तक ये हेल्थ से हम एनर्जी ला रहे हैं। हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ का मतलब होता है नरक। और जिस तरीके से मुंबई से अयोध्या भगवान श्री राम के लिए पैदल यात्रा कर रही हैं, इनको ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इनकी वीडियोस को देखेंगे और जिस तरीके से ये हेल्थ को प्रमोट कर रही हैं, लोग भी खरीद के पिएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये भी एक विदेशी कंपनी है, और अगर आपको इनडायरेक्ट वे में कुछ प्रमोट करना है तो आप हमारे देश के बनी हुई चीजों को प्रमोट करें, ये नहीं कि आप विदेशी प्रोडक्ट को भगवान श्री राम की यात्रा में इस्तेमाल करें। और अगर हम बात करें इनके दोस्तों की, तो वो कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रिंग का प्रमोशन करते नजर आते हैं कि ये देखिए हम स्ट्रिंग पी रहे हैं, इससे हमें एनर्जी आएगी। इससे हमारे युवाओं के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? हमारे घरों में जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? ये जिस तरीके से भगवान श्री राम के नाम का सहारा लेकर यात्रा कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरह की फेक यात्रा है। जिस तरीके से पिछले 9 दिनों पहले इन्होंने अपनी यात्रा को शुरू करा और बीच में 50 से 60 किलोमीटर यात्रा को इन्होंने पुलिस की गाड़ी में बैठकर कंप्लीट करा। इनका बोलना है कि पुलिस वालों ने कहा कि ये रास्ता बहुत खराब है, यहां से पैदल निकलना बहुत मुश्किल होगा, तो इसीलिए आप गाड़ी में बैठ जाइए और हम आपको इस रास्ते से आगे निकाल देते हैं। ये वहां पर रुक सकती थी किसी मंदिर में या किसी हिंदू परिवार में, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। जिस तरीके से ये आज की वीडियो में मंदिर में बैठी हुई है और कह रही है कि देखिए हम हिंदू मंदिर में बैठे हुए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ये चीज वो 2 दिन पहले भी कर सकती थी लेकिन इन्होंने नहीं किया। और जिस तरीके से ये अपने इंटरव्यू में बोलती हैं कि मैं नारी शक्ति हूँ, मैं माँ दुर्गा हूँ, मैं माँ लक्ष्मी हूँ, तो इनसे ये अनुरोध है कि प्लीज ऐसा ना बोलें, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इन्होंने पहले गंद मचा रखा है वो कहीं ना कहीं लोग आज नहीं तो कल जरूर देखेंगे। और जिस दिन सोशल मीडिया पे इनका भांडा फोड़ हुआ, उस दिन इनको भी आसमान से जमीन पे लोग उठा के पटक देंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग वही करते हैं कि जिस तरीके से कोई भी ट्रेंड में चलता है लोग उसको उठाकर ऊपर बैठा देते हैं, और जैसे ही उसकी सच्चाई का भांडा फोड़ होता है उसको जमीन पे आना ही है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि भगवान श्री राम का सहारा लेकर अपनी वीडियो बनाते थे और लाखों बच्चों के पैसों को हड़प के बैठे थे, और वो कहीं ना कहीं आज उनका भांडा फोड़ हो चुका है। मैं आप सभी हिंदुओं से सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इनसे ये पूछें कि वो ईश्वर शर्मा कहां है जो कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहता था, और अगर आप अपने आप को नारी शक्ति बोलती हैं तो आप लिविंग रिलेशनशिप में बिना शादी के हुए कैसे रह रही थी, और अगर आप सच में राम यात्रा कर रही हैं तो आपने अपनी वीडियो में गूगल पे, फोन पे और बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन क्यों डाली हुई है, और आप सरकार से बार बार ये क्यों कह रही हैं कि हमारी मदद करें, हमको एक गाड़ी दें ताकि जो भी लोग हमको गिफ्ट दे रहे हैं वो सब कुछ उसमें हम रखते रहें और मुंबई अपने घर वापस लेके जाएं। आपकी नजर में क्या ये राम यात्रा है? वो राम यात्रा कम कर रही हैं, फेमस हो रही हैं, जगह जगह इंटरव्यू दे रही हैं, जगह जगह ये कह रही हैं कि मैं नारी शक्ति हूं, और आज तक कुछ दिन पहले जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये मुंबई में घूमती हूं इनको ये कहती हैं कि घर चल के मेरी मसाज करना, मेरे पैर दबाना, ये वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्यों हटा दी? वो जानती थी कि कहीं ना कहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर आएगा तो वो कहीं ना कहीं उनका भांडा फोड़ होगा, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि भगवान श्री राम का सहारा लेके जिस तरीके से लोग ऐसे एजेंडा चला रहे हैं उनका भांडा फोड़ हो, और वो कहीं ना कहीं हमारे भगवानों को और हमारी देवियों को ऐसा बदनाम ना करें। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दो।